अगर दुनिया के सबसे एडवांस और खुशहाल देशों की बात की जाए तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम जापान का आता है। जापान न केवल टेक्नोलॉजी के मामले में तरक्की कर चुका है, बल्कि यहाँ के रहने वाले लोग भी बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा जागरूक हैं। आज की वीडियो में हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसके बाद आप भी यह जान जाएंगे कि क्यों जापान बाकी देशों से अलग है। नंबर वन है हड़ताल करने का अनोखा तरीका। जब भी दुनिया के किसी देश में हड़ताल की जाती है तो वहाँ के मजदूर काम को छोड़कर सड़कों पर बैठ जाते हैं, और यह हड़ताल तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि मजदूरों द्वारा बताई गई डिमांड्स पूरी ना हो। लेकिन जब यही हड़ताल जापान के बस ड्राइवरों द्वारा की जाती है तो पूरी दुनिया का ध्यान उन्हीं की तरफ होता है। दरअसल वहाँ के ड्राइवर चक्का जाम नहीं करते हैं, बल्कि बस को नियमित रूप से चलाते हैं, लेकिन वह मुसाफिरों से किराया नहीं लेते हैं, और इस तरह से वह यात्रियों से किराया ना लेकर अपने विरोध को दर्शाते हैं। नंबर टू है गर्भवती महिला को दिया जाने वाला पौष्टिक भोजन। जापान में जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसका खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में भी बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को बहुत ही पौष्टिक भोजन दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान की सरकार हेल्थ सेक्टर पर अच्छा पैसा खर्च करती है, क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तभी वह देश आगे बढ़ेगा। नंबर थ्री है स्कूल में बच्चों के द्वारा चलाया जाने वाला सफाई अभियान। दुनिया भर के देशों में स्कूल में साफ सफाई करने के लिए कर्मचारी रखे जाते हैं, लेकिन केवल जापान ही अकेला ऐसा देश है यहाँ सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं रखा जाता, बल्कि यह सफाई बच्चे और टीचर मिलकर करते हैं। जब बच्चों को स्कूल की सफाई खुद ही करनी पड़ती है तो वह इस बात का ध्यान और अच्छे से रखते हैं कि स्कूल में ज्यादा गंदगी ना फैले, और इससे वह सफाई करने के तरीके को भी सीख जाते हैं। नंबर फोर है बुलेट ट्रेन। यह तो सभी को पता है कि जापान के पास बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी है, जिससे कि वह कई घंटों की दूरी कुछ ही मिनटों में तय कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार जितनी ज्यादा तेज होती है उतनी ही वह शांत भी होती है। यह ट्रेन अपने सफर के दौरान जरा सी भी आवाज नहीं करती है, और ऐसा करके यह ट्रेन नॉइज पोल्यूशन कम करने का संदेश देती है। नंबर फाइव है पानी रिसाइकल करने का एडवांस तरीका। पानी को बचाने के लिए जापान में बहुत ही एडवांस टॉयलेट्स इंस्टॉल किए गए हैं जो पानी को रिसाइकल करने का काम करते हैं। दरअसल यहाँ के टॉयलेट के फ्लश बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा बेसिन लगा दिया गया है, और जब कोई व्यक्ति इस बेसिन में हाथ धोता है तो यह पानी बेसिन के जरिए ही सीधा फ्लश टैंक में जमा हो जाता है। फिर उस पानी को टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद दोबारा यूज किया जा सकता है। नंबर सिक्स है मेन होल्स के ऊपर डिजाइन बनाना। किसी भी देश की सड़क पर मौजूद मेन होल्स पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर हम जापान की बात करें तो यहाँ की सड़कों पर मौजूद मेन होल्स पर आप बहुत ही खूबसूरत डिजाइन देख सकते हैं, जिससे कि वहाँ की सड़कें और भी खूबसूरत दिखाई देती हैं। नंबर सेवन है अम्ब्रेला लॉकर्स। जापान में अम्ब्रेला लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति का छाता गुम ना हो। यहाँ के हर एक ऑफिस, मॉल और अपार्टमेंट में इन लॉकर्स की सुविधा दी जाती है। यहाँ जाकर लोग अपने छाते को लॉक करके रख देते हैं और घर वापसी के दौरान उस छाते को ले आते हैं। नंबर एट है नालियों में तैरती हुई मछलियाँ। जापान की सड़कों की तरह ही यहाँ की नालियों को भी आकर्षित बनाने के लिए इनमें रंग बिरंगी मछलियाँ छोड़ी जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की नालियों में गंदगी नहीं होती है, तो इन नालियों में आसानी से रंग बिरंगी तैरती हुई मछलियाँ देखी जा सकती हैं। आपको यह इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी ढेर सारे फैक्ट जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।